अच्छा जी, हम लोग आए हुए हैं। हाँ, जबरदस्ती जगह। ये देखो इसको, मेरी बेगम को। ठंड के मारे इसकी हवा। और बहुत अच्छा हुआ कि ये लिफ्ट चेयर बंद है। सुबह खुलेगा, हम लोग कल दोबारा आ जाएंगे। मुझे इसमें इस लिफ्ट चेयर में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसी जगह पे एक मूवी देखी थी जो बहुत ही खतरनाक थी, वॉल्फ वाली। वॉल्फ भी हमने देख लिया है यहाँ पे, तो इसलिए ऐसी कोई हरकत हम नहीं करेंगे। बाद में ही जा रहा है। नहीं, हम लोग कल बैठेंगे। हम आज रात को यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। ये देखो मेरे बेटे को, आप लोग ये फुल मस्ती में लगा रामदान। और ये मेरी बेटी को देखो, हाँ नाबिया, यू लाइकिंग इट? यू लाइकिंग? यू हैप्पी? कम ना, व्हाट आर यू डूइंग देयर? यलो। हाँ, जेब में हाथ रखो। ये मेरा बेटा जो ना फुल मस्ती में है। हाँ, क्या वो क्या क्या चीज? नहीं है ना, बंद है। कल सुबह आके देखेंगे फिर। अभी इन लोगों ने सब बंद कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं। कम ऑन हमदान, लेट्स गो। ये मौसम का जादू है मितवा, नहीं दिल पे काबू है मितवा। हाँ, अभी खत्म हो गया, बंद हो गया, कल करेंगे बेटा। नहीं, वो चीज़ नहीं, वो जो नीचे ये वाला। हाँ, ये कल करेंगे, अभी क्लोज हो गया। देखो अंकल सब लेके जा रहे, कल आएंगे ना, कल करेंगे। हाँ। अभी यहाँ बर्फ पड़ने वाली है, इसलिए अंकल ने सब बंद कर दिया है। क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ने वाली है। हाँ, वाह, ये ढलता सूरज, इसका तो व्यू ही अलग है। हाय 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 हाय, ये व्हील चेयर किसकी बात करेगी मेरी बेगम? ये हम लोग कल करेंगे पक्का। और ये देखे, ये हमारे भाई साहब स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं कोई। हाँ ना, वही तो मैं दिखा रहा था अभी। वही ना, यहाँ ऊपर देखे, आज याद को इन्होंने बोला यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है, तो लिहाजा हम आज याद को यहाँ का बर्फ इंजॉय करने वाले हैं यहाँ होटल में स्टे करके। हम देखते हैं कुछ अच्छे से बजटेबल होटल में मिले तो हम स्टे करेंगे। ये देखो इसको, इसकी मस्ती शुरू हो गया है। मेरे बेटे का ख्याल मुझसे चकू नहीं रख सकता। आ जाओ अंदर, पापा को हाथ दो, अंदर हाथ दो पापा को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पेंगुइन गिर गया। ये जो माँ बेटी है ना, अपनी मस्तियों में लगे हुए। नहीं नहीं, मेरे बेटे के ऊपर मत डालो इतनी ठंड में। Hey. ये जगह जबरदस्त है, जरीफ है ना, ये जगह ऑसम है। वो तो मुझे दिख रहा है, हैंड ग्लव्स की बस कमी है। मेरी बेटी के पास हैंड ग्लव्स आ जाए ना। हम ऊपर जा तो है, सब नीचे आ गए, हम ऊपर जा गए। यार हम भी नीचे चलते हैं अभी। आ जाओ यहाँ तुम। मुझे hey, हम लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए। ये कहाँ तक बनाई होगी इन्होंने ये लिफ्ट चेयर? नहीं ज्यादा ऊंचा नहीं, 12 मीटर है सर। यहाँ से तो ऊंचा दिख नहीं रहा, आगे जाकर तो और नीचे है। बस जाना है ऊपर, वापस लेके आएगा वो। ये कल हम लोग वीडियो में बनाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह जाएंगे ना, कल हम बताएंगे आप लोगों को। ये मेरा बेटा फुल मस्ती में। हाँ,
मुझे ऐसा लगता था कि बर्फ में गिर जाओ तो चोट नहीं लगती, मुझे पता चला है दो मरतबा गिरते कि बहुत गंदी वाली लगती है। हां बेटा ऐसे तो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, ये लोग आ गए यहाँ पे वो मस्जिद, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ देखने के लिए कि बेगम मेगी जो है वो ग्लास लेगी किस तरह का लेगी। लोग अंदर आ गए, ये इधर ग्लास देखने आए। ए मिल गया जी। वाह ये भाई फाइनली ग्लास मिल गया और मेरी बेटी के हाथ ही गुम हो गए। क्या बात है, ये भाई साहब हम आ गए, इनको ग्लास निकाल निकाल के दिखा गए। ये हमदान टच करें। हेलो मोशन फ्रेंड्स जी। अनाबिया कम पीछे। अनाबिया क्या प्राइस है? प्राइस 501। नो 501 500 सोम। या गिव मी डिस्काउंट बाबा। Вон за 300 тоже. Покажите 300 тоже. Вот 300. Вот это сам. Ева надо ज्यादा बेटर है। तो जो अच्छा वाला वो ले लो। दोनों ही पतले वाले हैं। हमारे जैसे नहीं। ओके। अच्छा जी हमें फाइनली ग्लास मिल गए। ये हमदान अपने ग्लास पहन गए। इसकी माँ इसको ग्लास पहना गई है। और इनको बस ज्यादा इनको क्वेश्चन समझ में आता है इन लोगों को या तो वरना कोई और लैंग्वेज, मतलब ये अपना कजक लैंग्वेज, इनको क्वेश्चन या कजक समझाओ तो समझ में आएगा। खैर जब भी आएँ तो अपने गार्ड के साथ आएँ तो अच्छा है। ये अनाबिया जो है अपने लगी हुई है, अनाबिया अपने ग्लास पहनने में लगी हुई है। अब ही जो है यहाँ पे लोग ये स्की वगैरह का सामान रेंट पे देते हैं। इनकी छुट्टी हो गई है अभी, बस ये भागने में लगे हुए सब के सब 4 बजे, क्योंकि वरना पे यहाँ पे बर्फ पड़ जाएगी, फिर इनको जाने का टाइम नहीं, मौका नहीं मिलेगा। वो देखें भाई क्या काले बादल आ रहे हैं खूबसूरत से। ओए खूबसूरत, बहुत डेंजरस, सारे लोग जा चुके हैं, सारी चीज़ें 4 बजे ही सारी एक्टिविटीज़ को इन्होंने क्लोज़ कर दिया क्योंकि आगे मौसम ख़राब है और बर्फ़ भी पड़नी है आज। दूसरा ये कि वो देखो उधर कैसे काले बादल छाए हुए, शायद कैमरे में इतना दिख भी नहीं रहा है लेकिन ऐसे बादल तो बहुत गंदे वाले छाए हुए, तो वो जो दूर तक जाएंगे वो कहीं उस मूवी की तरह मिस ही ना हो जाए। दैट्स व्हाई ये मेरे बच्चे प्यारे प्यारे से खेल रहे हैं मज़े मज़े से। ये देखो माशाल्लाह आज ये लोग ठीक हुए हैं, आज हैप्पी होकर खेल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी हो हमदान कैसे बोलते हैं? ये देखो ये मेरे इसने गिम्बलर को मेरे ख़राब कर दिया। और मेरे मियाँ गए हुए हैं होटल की बात करने, हम वैसे तो हम बिश्केक में रुके हुए हैं लेकिन हमने कहा कि यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है और हम काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करके आए, मतलब 4-5 घंटे का सफ़र था, हम कहीं और गए थे, सुबह के 5 बजे हम निकले और यहाँ पर जो है ना रोशनी भी 7:30 तक तो नहीं हुई, 7:30 तक नहीं हुई, 8 बजे तकरीबन थोड़ा सा रोशन होना शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा स्कैरी सा माहौल था, तो हमने कहा जब यहाँ पर फिर वापस आना कल तो इससे बेहतर है हम यहीं पर ही रुक जाते हैं। तो मैं अपनी चीज़ें सारी ले आई थी, आई तो हम आज यहीं स्टे करेंगे इंशाल्लाह, बस होटल हमें सही वाला मिल जाए इसी एरिया पे, ताकि हम सुबह आकर ये सारी एक्टिविटीज़ भी करें और फिर बड़ा मज़े का एंजॉय भी करें। ये देखिए मेरी बेटी जो ना स्लाइड करना चाह रही है, ओए ये मेरी बेटी स्लाइड करना चाह रही है लेकिन ये कर नहीं पा रही है। और मैं इस गिम्बलर से परेशान हुई, जो कैमरा बार बार मुड़ रहा है ना, मैंने इसको लॉक किया फिर भी अपनी मर्ज़ी से मुड़ रहा है। हाँ इस ट्रिप से जाते जाते मैं इसको यूज़ करना सीख ही जाऊँगी। हमदान स्टॉप स्टॉप, डोंट गो देयर, कम ये सब, बाय बाय। ये मेरे हाथों के इशारे से चल रहा है। हाँ लेट्स सी। नो
ओके बेबी हाथ। ये मैं अपना रूम देखने जा रही हूँ कि हम इस एरिया पे, यहाँ पर हम आज रात के लिए रुकेंगे, तो कैसा रूम होना चाहिए? इतना स्लिपरी है, बहुत डेंजर। भाई ये रूम मिला है हमें इस बर्फ़ वाली जगह पे एक रात के लिए। हमने कहा रुक ही जाते हैं यहाँ पर, सुना है कि रात में स्नो पड़ेगी तो वो भी देख लेंगे, उसका भी मज़ा ले लेंगे। अच्छा इस रूम का, ये रूम बहुत अच्छा है, छोटा सा क्यूट सा रूम है, एक रात के लिए कल का दिन गुजारेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ना ये विंडो है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या नज़ारे देखते हैं। वाह ठंड, वाह ये जो वो बॉलीवुड हॉरर मूवीज में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वाला सीन है, लेकिन बहुत हसीन लग रहा है। नाइस। अगर मेरा आईफोन नीचे गिर जाए तो कौन जाएगा इसको लाने के लिए? कोई भी नहीं जाएगा।